है सारी हाउस बोट्स। तो अभी स्टॉपेज को बुक करने के बाद, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह हो चुकी है, अभी फ्रेश होके हम ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं और फिर उसके बाद जो है हम घूमने के लिए चलेंगे। हम लोग जो है बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं और ये डाइनिंग एरिया में है और अभी हम आपको दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है और हम क्या क्या खा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट में हमने क्या क्या खाने में लिया है। बहुत सारी चीजें हैं, ये हमने इसमें से देखिए ऑमलेट लिया है, एग लिया है, अचार है, ब्रेड है, चिकन सॉसेज है, फिर इसके साथ जो है पराठे है, ये भटूरे है ब्रेड, और फिर इसके साथ ये सब्जी है, सांभर है, कर्ड है, दही, और साथ में हमने फ्रूट्स भी लिया है और ये जूस है। अब जो है हम इसका थोड़ा लुत्फ़ उठाएंगे और ये हमारी धर्मपत्नी जी जो है खा रही है, देखिए कैसे लुत्फ़ उठा रही है। और ये इधर जो है नेहा बैठी है, नेहा देखिए कैसे खा रही है। आर्यन भी कभी चल रहा है, आर्यन सिर्फ जो है ना अंडा खा रहा है, जूस ना, क्या क्या खा रहा है, अंडा और बॉयल एग ना, और जूस और कुछ नहीं। और ये सामने हम जो है स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। तो अब जो है हम जो है स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर जो है हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोगों का जो है ब्रेकफास्ट खत्म हो गया है, अब हम लोग जो है स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये सामने स्विमिंग पूल है यहाँ का। आयान को किस पे नाना? बड़े वाले। हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये होटल है हमारा। Walking through doors, 'cause when I try to quit you, I go through withdrawals. Tell me is that when I die, I'll be the ghost of you. यहाँ पर जो है बच्चा वाटी जो है सारा स्विमिंग कर रहा है। नया तुम बड़े वाले में जाओ ना। ये आर्यन आयान का है, हमारे जो बच्चे हैं ये सब लोग जो है शुरू कर दिया है पानी में जो है फुटबॉल खेलते हैं। आयान तुमको नहीं जाना है, ये जो है बहुत हिम्मत वाला बच्चा है, ये बार बार जो है नीचे जाना जाता है। नहा जाओ पानी में और देखिए ये छोटी छोटी बोट खड़ी है, स्पीड बोट वगैरह, इस पर आप बैठकर और घूम सकते हैं। और इस तरफ जो है देखिए ये सारे हाउस बोट्स हैं, तो इस हाउस बोट में भी बैठकर जो है आप पूरे नदी का चक्कर लगा सकते हैं। तो ये कुछ होटल्स के हैं, कुछ जो है अलग अलग कंपनीज के हैं, तो आप इसको बुक करके इसमें आप जो है घूम सकते हैं। ये सारे हाउस बोट एक लाइन से खड़ी है सारी हाउस बोट्स। तो अभी ये स्टॉपेज को बुक करने के बाद आप इसमें बैठ के नॉन जो है एयर कंडीशन है, नॉन एयर कंडीशन है, तो आप ये जो है रॉयल क्रूज है रमाडा एलएफपी का, तो रमाडा का ये है। बाकी ये अलग अलग जो है कंपनीज के हैं, आप इसको बुक कीजिए और इस देखिए जैसे वो चल रही है वो सामने, ऐसे जाकर आप घूम सकते हैं। लोग जो है तैयार होकर पूरी तरह से बीच पर जा रहे हैं, यहाँ जो है एलएफपी का जो बीच है वहाँ पर हम चलेंगे और घूमने के लिए, और आपको भी बीच दिखाते हैं। ये हमारी कार जो है पार्किंग में खड़ी है। तो हमने जो है यहाँ पर जो है कार खड़ी कर दी है और यहाँ से हम बोट लेके जो शिकारा में पूरा यहाँ 3 घंटे जो है हम सफर करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं बोट राइड। Keep you by my side. हम जो है
हैं, बोट में बैठ गए हैं और यहाँ से जो है हम शिकारा में जो है पूरा बोट राइड करेंगे 3 घंटे के लिए। Tell me this before I go. Say to me if cold. Tell me that when I go. हम जो है पहले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? फिशिंग पॉइंट। फिशिंग पॉइंट है ये, और यहाँ पर बहुत सारे देखिए आप पीछे जो हाउस बोट्स खड़ी है। हमने ये बोट लिया है और इसका हमने जो है इसका 500 पर आवर के हिसाब से दिया है पूरी फैमिली का, जिसमें हम लोग 5 लोग हैं, और इसको जो हमने पे किया 3 घंटे का 1500 रुपये। और ये जो है फिशिंग पॉइंट पर ये पहला पॉइंट लेकर आए हैं। और ये भाई साहब अब यहाँ से हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी जो है हम एलेप्पे का जो है मरारी बीच पर पहुंच चुके हैं। मरारी बीच लगभग एलेप्पे सिटी से जो है ये 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो फीलिंग है वो गोवा वाली है, बाकी जो एलेप्पे बीच है, एलेप्पे का जो बीच है वो ऐसे ही है, कुछ खास है नहीं। बहुत गर्मी है वहाँ, कुछ है भी नहीं बैठने बैठने का। तो हम वहाँ से 15 किलोमीटर जो है दूर आ गए। ये मरारी बीच बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा खूबसूरत है, गोवा की तरफ थोड़ा फील है। यहाँ पे वैसे चेयर है, आप ऐसे चेयर लीजिए 100 रुपीज़ में जो है आपको 2 चेयर मिलेंगे कपल के लिए 1 घंटे के लिए। In the beginning it was like we were glued to each other, yes we were, and in a room full of people we lost our sight. इस तरह का जो है बीच है और है तो थोड़ा खूबसूरत, थोड़ा थोड़ा गोवा का फील है, बट बाकी जो है उतना अच्छा यहाँ पे बीच जो है उतने अच्छे है नहीं, गोवा की तरह है नहीं। तो आप यहाँ पर कभी भी ये मत सोच के आइए क्या आप जो है गोवा की तरह मजे आएगा।